हेलो, तरंग न्यूज आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ, और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज पर, जहां आप लोगों को बता दें कि आई दिन देखा जा रहा है कि गुंडागर्दी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि सीधी जिले में छोटे छोटे बच्चे तक नहीं बच पा रहे हैं। या कहूं कि ये ड्रग्स का नशा हो या दारू का नशा हो या कैसा भी हो, लेकिन ये छोटी सी बच्ची भी प्रताड़ित हो चुकी है। हमारे साथ ये छोटी सी बच्ची है, यहाँ पर उनके नाना हैं, और बता दें कि ये स्कूल ड्रेस में है बच्ची और केंद्रीय विद्यालय से आई है, जो आप लोगों को टैग में दिखेगा यहाँ पर कि लिखा हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये अभी बच्ची केंद्रीय विद्यालय से आई है और इस बच्ची के साथ जो है तो मारपीट हुआ, वो भी रस्ते में, वो भी फालतू मारपीट। यानी कि ये जानती नहीं कि सामने वाला कौन है, कैसा है, और बेमतलब के बच्ची को मारा गया, वो भी ऑटो से जा रही थी। हम खुद नहीं बल्कि ये बच्ची बता रही, हम जानेंगे कि पहले की क्या कैसा मामला है बच्ची से खुद, क्योंकि बच्ची काफ़ी डरी हुई है। नाम बताइए अपना आप। मेरा नाम है मनु जोगी। अच्छा, और क्या आप उसको जानती थी कौन है? नहीं, मैं उनको एक भी नहीं जानती, कभी देखी ही थी। तो ये बताइए कि जब आप उसको ना कभी देखी थी ना कभी जानती थी, तो कैसे वो क्या कह रहा था? कह रहा था कि चलो चल चल चल, तो का घर पहुंचाई, फिर ले गया मुझे किनारे में। इतना मारा कि मेरा पूरा सर फटा जा रहा है। ऑटो से तुम जा रही थी? हाँ, ऑटो से जा रही थी, तो मड़े दिए मेरे अंकल जी उतार दिए, ऑटो वाले अंकल जी। कौन वाले अंकल जी ने उतार दिया? ऑटो वाले अंकल जी। वहीं पे आपका रूम है? नहीं, वहाँ से उतार के मैं पैदल, वो मूड़ी तलाव के आगे जो गांव है, तो वहीं मैं रहती हूँ। अच्छा, गांव आपका मूड़ी तलाव है? हाँ। तो वहाँ से आप पैदल जाती हैं 2 किलोमीटर? हाँ। तो वहाँ पे ऑटो वाले ने उतार दिया? हाँ। फिर मैं वहाँ से जा रही थी, तो एक आदमी आए और इतना जल्दी नेग रहे थे कि जैसे कि उनकी कोई तो ऊपर चला जा रहा है, इतना जल्दी नेग रहे थे। फिर आए तो मुझे पकड़ के बहुत मारे हैं। ओहो, कहाँ पे मारा उन्होंने? यहाँ पे और यहाँ पे, पीठ में भी मारा है। और कोई बचाने नहीं आया वहाँ पे? फिर एक दीदी आई कहे कि, फिर जब दीदी आई बाहर निकली तो वो आदमी जो था तो वो भाग गया। और फिर वो दीदी आई तो मेरे पापा मेरा नाम पूछी, और मेरे पापा नाम पूछी और मैं कहाँ रहती हूँ वो पूछी, और फिर मेरे से नंबर मांगी मेरे पापा को, तो मेरे पापा ने, मेरे दीदी ने मेरे पापा के पास नंबर से फ़ोन लगाया, तो मेरे पापा आए तो वहाँ पे जो मारा उनके भाई थे, तो मेरे पापा कहें कि ऐसा अपने जो मतलब कि हाँ जो भाई हैं आपके, तो उनका दिमागी हालत थोड़ा ठीक करवा लीजिए। तो कहा था, कहते हैं कि हम उनके थोड़ी ना कुछ लिए हैं, कि हमारे बस में होता तो हम ठीक करवा लेते, हमारे बस में नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फिर मेरे पापा वहाँ से चले आए। अभी आप बता रही थी कि कई बार मारपीट और बच्चियों के साथ किए हैं, और भी ऐसे कुछ किस हाँ। किसने बताया कि वहाँ पे और ऐसे ही मारा पीटा उन्होंने? मेरे को नहीं बताया, मेरे पापा को बताया है। पापा को बताया है? हाँ। तो फिर वो जब आपके पापा जी आए और कोई आया तो भाग गया वो? हाँ, वो भाग गया था, लेकिन 2-3 आदमी थे और फिर उसको पकड़ के मारे भी थे। अच्छा, पापा का नंबर आपको याद रहता है? नहीं, मुझे याद नहीं रहता, लेकिन मेरे बुक में लिखा है मेरे पापा का नंबर भी। अच्छा, क्या पापा का नंबर बार बार चेंज होता है कि वही है? वही है। तो पापा का नंबर आपको याद रखना चाहिए ना बेटा। मैं अब से याद रखूंगी। बिल्कुल, देख लो, तुम एक छोटी सी बच्ची, क्या उम्र है तुम्हारी, कौन सी क्लास की हो? मैं 4th A में पढ़ती हूँ। 4th A में पढ़ती हो? हाँ। और 4th A में हो बताओ, और तुम्हें अपने पापा का नंबर याद ना रहे, इमरजेंसी ऐसे ही होता है ना? होता है ना? हाँ। है ना? तो मतलब सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? नंबर पापा का। पापा का नंबर याद रखो, या 100 नंबर मालूम होता है, डायल 100 होता है ना, 100 पुलिस का नंबर है, दीदी को बोलना चाहिए था कि 100 नंबर को कॉल कर दीजिए। पहले पापा जब नहीं जानेंगे तो पुलिस कैसे जानेगी? पुलिस आएगी तो सब पता लगा लेगी, पापा को भी ढूंढ लेगी और जो मारा उसको भी ढूंढ लेगी। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ। देखो, आप छोटे से बच्चे हो, है ना? हाँ। और मनु नाम बताया ना आपने अपना? हाँ, मेरा। और दर्द भी कर रहा होगा क्या? ट्रीटमेंट वगैरह कुछ करवाना है क्या? नहीं, मेरा केवल सिर दर्द कर रहा है, तो मैं घर जाऊंगी तो झंडू बाम लगा लूंगी। झंडू बाम लगा लोगी? वैसे खाना वगैरह खाया तुमने? हाँ, मैंने खाया। कब खाया? जब मैं पापा घर ले गए तो मैंने थोड़ा खाना खाया, फिर पापा कहें कि चलो मेरे साथ, तो मैं चली आई।
तो अभी कुछ खाना है तुमको? समोसा वगैरह कुछ भी नहीं, मुझे नहीं खाना। हेलो, नहीं खाना, कुछ भी नहीं ना। बहुत अच्छे। और पढ़ाई अच्छी चल रही है तुम्हारी? हाँ, अच्छी चल रही है। अब बताओ, ये बताओ कि इस तरीके का तुम्हारा सरकार, सरकार मतलब समझती हो? हाँ। क्या कि मतलब सरकार होते हैं जो सबकी मदद करते हैं। सरकार की मदद करते हैं, सरकार का मतलब होता है जो आप, मोदी जी कौन है हमारे? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हाँ। और सरकार मतलब होता है मुखिया, क्या होता है? मुखिया। मुखिया और सरकार वही चला रहे हैं। ये बताइए कि इस तरीके की सरकार है कि छोटी छोटी बच्चियां, आप जैसे बच्ची कोई भी ऐसे पीट के रोड के किनारे चला जाए और आप लोग डर रहे हो, आप डर रहे हो अभी ना? हाँ। आपके नाना है और यहाँ पर बताइए पिताजी हैं, वो भी डर रहे हैं कि इस तरीके से कोई भी मार पीट के चला जाए। आप रिपोर्ट भी दर्ज करवाने से डर रहे थे कि वो लोग मारेंगे और कुछ भी करेंगे। मडरिया के वो ठाकुर हैं जो, जिस अंकल ने उनके भाई ने मारे थे ना, तो उनके जो ठाकुर भाई थे ना उनके, तो जिस अंकल ने उनको मारा था, जो उनको मारे थे ना, तो उस अंकल ने ना उनको भी मारा था। अंकल को भी मारा? हाँ। जो सामने वाले अंकल ने मारा आपको? नहीं, जो अंकल थे मुझे मारे। हाँ। तो उनको दूसरे अंकल ने मारा, फिर जो अंकल जी के, जो मुझे अंकल जी मारे, तो उनके भाई ने जो उस अंकल जी के जो मुझे मारे उनको मारे हैं। अच्छा। हाँ। मतलब कि सामने वाले ने बचाने की कोशिश की, आपको मारे उनको ना? हाँ। है ना, बचाने की कोशिश की आखिर। दोस्तों ये हम आप लोगों को बता दें कि आए दिन ये मामला देखा जाता है, सीधी जिला है, डायल 100 नंबर होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए किस तरीके से बच्ची डरी हुई है, और ये स्कूल से लौट रही थी, ऑटो में थी, ऑटो से जा रही थी, कुछ लोगों ने मतलब इस तरीके से बच्ची के साथ किया है कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो मासूम, ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ है, और देखा ये जा रहा है कि इस तरीके की वारदात, अगर बच्चे डर जाएं तो ज़िंदगी में एक बार अगर डर अगर घुस जाता है सीने में या मन में, तो उसको डर हटाना जो होता है बहुत मुश्किल होता है। आज बच्ची जो है डर के मारे परेशान है, इसको मार दिए, इसके सिर दर्द कर रहा है, काफ़ी बता रही है कि मेरा सिर फट रहा है। और सरकार की बात करें कि यही पुलिस है जो चारों तरफ राउंड कर रही है, लेकिन इस तरीके की गुंडागर्दी कि छोटी छोटी बच्चियां तक नहीं बच पा रही हैं। आखिर में इसको साइड में ले जाकर क्या करता, मारता पीटता, और या हो सकता है कि कुछ और भी कर सकता था, मार कर कहीं साथ साथ नाली में फेंक देता। इस तरीके की जो वारदात होती है इसको आप छोटी गलती ना समझें, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो आप लोगों को आए दिन देखने को मिलता है। अभी एक बच्चा गायब है सीधी जिले से, जो देखने को मिल पा रहा है कि पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अभी 24 घंटे हो रहे हैं लेकिन उसको ढूंढ नहीं पा रही है कि आखिर वो बच्चा गया तो गया कहाँ। इसी तरीके से वारदात होती है कि इस बच्ची को अगर कोई उठा ले जाता तो जिम्मेदार कौन होता। और दूसरी बात कि ये जो बच्ची है घर तक जाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल जा रही है, और बच्ची को अपने घर का किसी का नंबर तक याद नहीं है, तो ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से समस्याएं जो है तो झेलनी पड़ रही है पूरी सीधी जिले में। इस तरीके की जो जिम्मेदारी यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, कलेक्टर कहें, ASP कहें, सरकार कहें, विधायक जी कहें या सांसद, कोई किसी को भी अगर हम कहें, तो मैटर ये है कि स्ट्रिक्टता अगर नहीं लाएंगे तो हर घर की बच्ची और हर घर के बच्चे धीरे धीरे गायब ही होते जाएंगे। और यही रीजन देखा जा रहा है कि सामने वाला बंदा कह रहा है कि मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ चलो, लेकिन रीजन ये है कि अगर ये विरोध कर रही है तो इसको मार और पीट रहे हैं। यानी कि हम ये नहीं कहते कि वो सही नियत से ही सामने वाला छेड़खानी कर रहा है, हम उसकी नियत पे संदेह कर सकते हैं और बेशक संदेह कर सकते हैं। ये मामला रहा, हमारे साथ यहाँ पर उनके नाना जी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे, और यहाँ पे उनके पिताजी भी हैं, इन्होंने शिकायत भी की है, शिकायत के मामले से ही बात करेंगे। काफ़ी बुजुर्ग हैं और देख पा रहे होंगे आप लोग कि एक यूनिफॉर्म में है, इनका यूनिफॉर्म जो है खाकी है, और खाकी यूनिफॉर्म से ही हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब में होंगे या जो कुछ भी हो पता करते हैं। पहले तो हम नाम जानना चाहेंगे सर आपका। जी, राजकरण जोगी नाम हमारा सा है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप, कहाँ निवास है आपका? हम तो मोड़ी तिलाई रहते हैं और ड्यूटी यहाँ करते हैं संसद महोदय के। यहाँ ऑलरेडी ड्यूटी करते हैं। ये बताइए, इस तरीके की छोटी सी मासूम सी नातिन है आपकी, इस नातिन के साथ इतना बड़ा कोई कुछ भी कर देता, अगर आप मान लीजिए कि सामने वाले ने हेल्प की है, खुद एक लेडीज बता रही हैं कि कोई दीदी आई थी, उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की और बचा लिया, अगर
हिम्मत करने वाला कोई भी होता, चाहे हम हैं या कोई और अन्य वर्ग होता या कोई भी व्यक्ति होता, वो खुद बचा सकता था, लेकिन किसी ने हिम्मत भी नहीं दिखाई बचाने की। एक लेडीज ही आ रही बचाने के लिए। इन सारे मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि सीधी सुरक्षित है? अरे का कही साहब, हम सोच रहा रहन पे हो गए, बहुत परेशानी आ रही है। का कही कि ऐसे ऐसे यहाँ हो गए गुंडेगिरी की, मानो भरे चढ़ाई करे लागे कि अब हम निशोर रह के हो गए, बच्ची आ रही है वहाँ पढ़ के नाती, अब बीच मैया में करे लें एक रहती। सरकार भी वही है बताइए जिसके यहाँ आप नौकरी करते हैं, आप कुछ भी बोल देंगे तो सरकार मतलब आपको निकाल देंगे कि आपने ऐसा मेरे को कहा, तो वो तो आपको बिल्कुल नौकरी भी चली जाएगी आपकी। आप कुछ बोल भी नहीं सकते कि सरकार कैसी चल रही है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर? अब का कही हम साहब, अब तो रही तो नहीं के लगे है, बड़े साहब के लगे, का कही कि का करा दे हमका, का कही हम नहीं। तो बड़े साहब के पास अगर आप हैं तो ये बताइए कि आपकी ही नातिन सुरक्षित नहीं है, आप खुद एक उन्हीं के घर में रहते हैं, काम धंधा आप वहाँ पर करते हैं, सांसद जी के पास आप रहते हैं, आप ही की नातिन सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे आप बताइए? हाँ बाटुआ करे हम साहते ही उतार देते हूँ, कहे 12 से कहीं सब पैसा नहीं पूछे, 1000 दे ही थो, अब 2 से 3 से अब देव की घरे भर पहुँचे, अब महंगाई भी रीजन है इसमें। हाँ यही परेशान है साहब जी। तो देखा ये जा रहा है कि सीधी सुरक्षित नहीं है, ये बात सही है? हाँ ये तो सही है साहब, सीधी सुरक्षित नहीं है जी। हमारे साथ यहाँ पर इनके पिता भी हैं, वो भी बेचारे दौड़ते हुए आए अपनी बच्ची को बचाने के लिए, उनसे हम जुड़ेंगे। सर नाम आपका? जीतन गोस्वामी सर। अच्छा अभी आपको क्या लग रहा है कि बच्ची तो बच गई, अभी आप फिलहाल सुरक्षित, अगली बार ऐसा होगा या नहीं? नहीं अब अगली बार नहीं, इसीलिए सुरक्षित हम चाहते हैं, इसलिए हम FIR दर्ज करा दिए हैं, फिर हमारी बच्चे जितने हैं तो सुरक्षित रहना चाहिए, ऐसा जो करे उसको कष्ट मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए जी। तो ये बताइए कि इस पर पुलिस ने क्या मदद की? आप गए रिपोर्ट? कुछ भी मदद नहीं किया है, खाली FIR दर्ज कर लिए हैं, बस हो गया। आपने बताया कि मुझे डर लग रहा है कि शायद रास्ते फिर से मारने पीटने लगे, ऐसा कुछ? सब कुछ बताया, जैसे बच्ची हमारी बोले वो इस वार्ड में हम नहीं थे, बच्ची ने हमारी फ़ोन लगाई, दूसरे लगाए, जब हम दौड़ के आए वहाँ पर पहुँचे, बहुत भीड़ लगी थी, लेडीज बहुत थे, 8-10 लड़के भी थे। इसके बाद बच्ची हमारे यहाँ मोड़ में आग मिली, वहाँ बस था, इसका बैग जो है तो साहू घर में थे। अगर सामने वाला ये कह रहा है कि वो मेंटल था, पागल था या पागल है, तो क्या आपको लगता है कि? नहीं वो पागल नहीं है। हाँ। पागल नहीं है वो। किस उद्देश्य से बच्ची को उसने उठाया था? अभी ये तो वही जानेगा, बच्ची जानेगी। नियत गंदी भी हो सकती है? गंदी नियत है, 3-2 बच्चियों को ऐसे और कर चुके हैं, तीसरी बच्ची है। तीसरी बच्ची जी, फिर भी उस पर कोई कार्यवाही? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लगता है उन लोगों ने रिपोर्ट ना लिखाया होगा, क्या लगता है? अब वो लोग बताए कैसे हो, लेकिन रिपोर्ट नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, लेकिन हमारी बच्ची, हमारा प्यारे बच्चे हैं जितने हैं, तो हमको तो लगे गए बुरा, तो हम तो डालेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 4 बच्चे हैं, 2 बच्चियां 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां मतलब 2 बालिका हैं, 2 बालक हैं। अब इस पर आप ये बताइए कि पुलिस के पास आपने शिकायत किया, पुलिस इतनी तक मदद नहीं की कि जाके इसको ढूंढे, या इतना तक नहीं किया कि आपको घर तक छोड़ दे, क्योंकि अभी आप सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं जी। छोटी बच्ची है, उनको तत्काल आना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए जो करना है तो। लेकिन इस खुली छूट की वजह से ऐसे कारनामे हो रहे हैं? हो रहे हैं जी, यही कहना चाहेंगे जी, खुली छूट की वजह। आप बताइए कि कार्यवाही के लिए आपने आवेदन दे दिया, लगता है कि इस पे कोई कार्यवाही होगी भैया? मेरे को तो नहीं लगता कि होगा, है ना? नहीं होगा बिल्कुल। तो आप इन सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं, एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ, उसके नाना और उसके पिता, और ये पूरा परिवार एक तरीके से, यानी कि ससुराल क्षेत्र से ये, मायके क्षेत्र से ये, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, और इनकी भी बच्ची रही, बच्ची की ही बच्ची है ये। इस तरीके से सीधी जिले में लगातार वारदात देखे जा रहे हैं कि यहाँ की छोटी छोटी बच्चियाँ तक सुरक्षित नहीं हैं, तो हम कैसे कहें कि सीधी जिले में जो SP बैठे हैं, जो मालिक मुखिया बैठे हैं, जो नेता बैठे हैं, क्या कर रहे हैं सीधी जिले की? छोटी छोटी बच्चियाँ अगर सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, बच्चियाँ गायब हो रही हैं, उसका रीज़न हम क्या माने? किस तरीके की जांच पड़ताल आप लोग कर रहे हैं? और या फिर इन्होंने जब शिकायत किया तो तुरंत इमीडिएटली आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि एक छोटी बच्ची का मामला है, ये जरूर आपको गौर करना चाहिए था। शायद उन्हें यह मालूम ना रहा होगा कि ये उसी रास्ते से गुजरते हैं और डेली गुजर रहे हैं, तो अगली कभी भी वारदात इनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये बताइए, पुलिस को जानती हैं आप? हाँ जानते हैं। जानती हैं ना? लगता है पुलिस कुछ करेगी इस पे? नहीं मुझे तो नहीं लगता। आपको भी नहीं लगता ना? पुलिस पर भी भरोसा बच्ची का नहीं है, शायद इनके नजरों के सामने अगर आप कोई कार्यवाही करते तो इस बच्ची को जो ढाढ़स है और इसका जो हौसला है शायद बुलंद होता, और ये अपनी पूरी जिंदगी में जो इसका डर था वो भी शायद मिट जाता। ये हमारा कहना नहीं, हम हृदय से कह रहे हैं इस बात को
कि आप लोगों को गौर करना चाहिए कि एक बच्ची के साथ जब ऐसी वारदात हुई तो बच्ची के सामने उसको आपको पकड़ना चाहिए था, ताकि ये जिंदगी में कभी डरे ना और ना ही डर कर जिए और हौसला इसका बुलंद रहे, कुछ भी जिंदगी में तरक्की करना चाहे तो कर सके। जल्द मिलते हैं इसी से रिलेटेड एक अपडेट के साथ, जो आप लोगों को बता दे कि पुलिस की बाइट या अधिकारियों की बाइट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।